नमस्कार, स्टेट टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज स्टेट टाइम्स पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं फॉर्मर एमएलए ठाकुर शिवदेव सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू जी। सर, आपका 50 साल का पॉलिटिकल करियर है, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके हिसाब से राजनीति की परिभाषा क्या है और क्या होनी चाहिए? राजनीति की जो परिभाषा है वो टफ भी बहुत है और आसान भी बहुत है। जी, राजनीति में ऐसे व्यक्ति को आना चाहिए जिसको अपना लोभ लालच न हो, जी, जिसके मन में ये भावना हो मैंने लोगों की सेवा करनी है, लोगों के काम करने हैं, ये नहीं कि पहले अपना आप देखना है फिर लोगों को देखना है। ऐसे व्यक्ति को पॉलिटिक्स में आना नहीं चाहिए। जी। और पॉलिटिक्स में हमने तीन चार चीजें देखी हैं। एक तो आदमी की नेचर ठीक होने चाहिए। कोई भी इंसान जब बीमार हो जाता है वो डॉक्टर के पास जाता है, तो अपनी फरियाद लेकर जाता है, अपनी तकलीफ लेकर जाता है, तो डॉक्टर आगे से रिस्पांस अच्छा ना दो तो फिर उसके बारे में क्या होता है, बीमारी और बढ़ जाती है। यही बात है, किसी इंसान को भी किसी किस्म की तकलीफ हो तो वो अपने नुमाइंदा के पास जाता है, चाहे वो सरपंच है या एमएलए है या एमपी है जी। अगर उसको वहां से रिस्पांस ठीक ना मिले, जा कोई बैठने के लिए ना बोले जी, अच्छे ढंग से बात ना करे, पानी पीने के लिए भी ना पूछे, या आधे किलोमीटर दूर खड़े होकर बैठना पड़े जी, तो मेरे ख्याल में ऐसे व्यक्ति को पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए। तो अगर आ गए हैं तो फिर लोगों की गलती है। ऐसे व्यक्ति को अगर वो अपना वोट कास्ट करते हैं तो फिर आगे 5 साल पछताते हैं, फिर गालियां देते हैं, बुरा भला कहते हैं। उससे बेटर है कि आदमी को अपना वोट जो है सोच समझ के देना चाहिए। जी। यही एक पॉलिटिक्स का फार्मूला है जी। यही वोट ऑफ राइट जो हमारे लोगों ने 90 साल हिंदुस्तान को आजाद करवाने के लिए सैक्रिफाइस किया, कुर्बानियां दी जी। तो हिंदुस्तान आजाद हुआ तो मिला क्या? वोट ऑफ राइट ही मिला ना जी। उसके साथ डेवलपमेंट तो कराना सरकार का फर्ज है जी। कोई भी सरकार आए उसका ये कंट्री के लोग उसका परिवार हो जाते हैं। परिवार को संभालना, परिवार को दुख तकलीफ से बचाना जी। बाहर के देशों से अपने देश को बचाना ये पॉलिसी है। इसमें मेरी बहादुरी नहीं, दूसरे की नहीं, कोई भी प्रधानमंत्री आए उसका फर्ज बनता है जी, जी। और हमने कई दफा लोगों से अपील भी की, अब कंपेन के लिए हम जब जाते हैं जी। तो हम कभी प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं बोलते। प्रधानमंत्री जो है वो पूरी इंडिया की जितनी पब्लिक है सबका साझा है जी। जब आप लोगों ने बना दिए फिर उसकी ड्यू रिस्पेक्ट करो। प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो जी। ये दोनों पोस्टें ऐसी हैं जो रिस्पेक्टेबल पोस्टें हैं। और हम तो प्राइम मिनिस्टर को भी भगवान का रूप जानते हैं और प्रेसिडेंट को भी। रही बात इलेक्शन की, ये जो इलेक्शन असेंबली की है या कॉरपोरेशन की है, ये हमारी लोकल इलेक्शन होती है। हमारी ये रिक्वेस्ट है, यहाँ पर बड़े बड़े दिग्गज जो नेता है उनको पार्ट प्ले नहीं करना चाहिए। ये लोगों की इलेक्शन है, लोगों के अपने ढंग से अपने राइट को चुनने का अधिकार है जी। तो यहाँ पर फिर आई की पॉलिटिक्स उल्टी हो गई। तो अभी हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े लोग, प्रधानमंत्री ने जम्मू के कितने टूर कर दिए, अभी भी कर रहे हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट है, प्रधानमंत्री तक तो हम पहुंच नहीं सकते जी। लेकिन मीडिया के द्वारा हम रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको नहीं आना चाहिए ऐसी बड़ी बड़ी रैलियों में। पार्लियामेंट का जब इलेक्शन था वो उनका फर्ज था, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाते जो पार्लियामेंट की है, दो दो रैलियां करते, तीन तीन रैलियां करते, क्योंकि वो जो वोट था वो उनको अपने लिए था जी। ये जो वोट है जी, ये सिर्फ लोगों के लिए है, जो जम्मू कश्मीर की पब्लिक है उनके लिए है। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से आपका 50 सालों का एक पॉलिटिकल करियर है जिसमें कई उतार चढ़ाव आपने देखे हैं, कांग्रेस में आपने अच्छा समय बिताया, फिर आप बीजेपी में आए, उसके बाद आपने फैसला लिया इंडिपेंडेंट एमएलए इलेक्शन में खड़े होने का, तो एक निजी सवाल है कि क्या आपको लगता है कि वो फैसला आपका सही साबित हो रहा है अभी तक? देखो, पॉलिटिक्स में हम
जब पढ़ते थे जी, थोड़ा बहुत शौक रहते थे उस समय भी, तो उस समय की जो लीडरशिप होती थी काम करने वाले को आगे लाते थे। आजकल की जो पॉलिटिक्स है, काम किसी से करवाते हैं तो ड्राप किसी को कर देते हैं, तो ये फिर बेइंसाफी है लोगों के साथ भी और पार्टी के साथ भी है। पार्टी के जो करने वाले हैं वो भी गलत हैं। काम हम करें तो टिकट लेकर कोई दूसरा आ जाए खाने के लिए तो कौन बर्दाश्त करेगा जी। काम करना, पहले भी हमने जब कांग्रेस में थे, हम तो उस समय भी हमें पता है कि हमारे जो प्रधान थे यहाँ के मुफ्ती मोहम्मद सैयद प्रेसिडेंट थे जी, उनमें एक क्वालिटी थी, दो तीन बातें हमने उनसे सीखी हैं जी। एक तो वो जो वर्कर काम करने वाला है, डेडिकेट वर्कर है, मेहनत मारने वाला है, अपनी जेब से पैसे खर्च के पार्टी को आगे ले जाता है जी, उसको उठाते थे। तो दूसरी बात सीखी मैंने, वो ये कहते थे कि शिवदेव सिंह कभी किसी के खिलाफ नहीं बोलना जी। जब भी इलेक्शन में जाओ अपनी बात लोगों से आगे रखो, किसी को मत क्रिटिसाइज करो जी। तो अगर क्रिटिसाइज करोगे तो आप फेल हो जाओगे। बहुत तो आज दिन तक हमने जब जहां भी गए हम किसी के खिलाफ नहीं हमने बोला, हमने अपना बताया जी जी। हम परोड़े के रहने वाले हैं, हम आपके MLA रहे, हमने आपके लिए ट्यूबवेल बनाया, सड़क बनाई, स्कूल बनाया, आपका बच्चा नौकर कराया, हम ये बातें रखते जी जी। हमने कभी नहीं कहा, नहीं किया, नहीं, बिल्कुल नहीं। सवाल ही मैं बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, और हमारी जो जनता आपको देख रही है उन्होंने भी ये देखा कि आपकी जो रैलीज हुई हैं या जो आप सॉरी कैंपेनिंग में आप गए हैं डोर टू डोर, काफी सारी जनता आपके साथ सपोर्ट के उसमें खड़ी रही है। तो यहाँ के कुछ ऐसे मसले जिनको खास तौर पे आपके साथ साझा किया गया हो यहाँ की जनता ने? देखिए यहाँ पर अब सिटी है हमारा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो प्रधानमंत्री ने बहुत पैसा भेजा डेवलपमेंट के लिए, तो जम्मू शहर आपके सामने है, क्या हालत है यहाँ पर। सवाल ये होता है कि माता पिता कमाकर बाहर से लाते हैं जी। आगे परिवार को चलाना जो घर वालों का काम होता है, हमारे लोगों ने क्या किया? गलियां देखो टूटी है, लाइट जो है यहाँ पर स्ट्रीट लाइट दिन को चल रही है रात को बंद हो जाती है, क्योंकि कंट्रोल ही नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन के नाम की चीज ही नहीं है। तो लोगों के मिसाइल तो बहुत है, रूरल एरिया में हम जाते हैं, जो हमारे दौर में वहां पर ट्यूबवेल बना था वही आज है, आबादी कहाँ की कहाँ चली गई। तो जो वहां पर हमने स्कूल बनवाया था उसके कमरे थे चार, आज भी चार हैं लेकिन टूटे हैं। सवाल ये है कि जो लोग हमारे से पहले आए यहाँ पर, ठीक है अपना अपना ढंग होता है काम करने का, लेकिन हमारा ढंग कुछ अलग है जी। हमने मन में धारण किया है, और जो हमारे माता पिता थे उनकी गाइडलाइन है कि भला करो जी, बुरा मत सोचो किसी के लिए जी। अगर किसी का काम हो सकता है तो करो, अगर नहीं हो सकता तो साफ बता दो ये काम हम नहीं कर सकते, लारा नहीं हम लगाएंगे। सियासी लोगों ने ऐसे लोगों को साथ लगाया है, हमें वोट दो हम आपको नौकरियां देंगे, हमें वोट दो हम आपको सोने की चिड़िया बना देंगे, ये झूठ है ना सर। आदमी के पास जितनी पावर हो उसी हद में बोलना चाहिए जी। बिल्कुल सही कहा। मेरा एक और सवाल है आपसे कि आप दोबारा अगर MLA बनते हैं तो सबसे पहला काम आपकी लिस्ट में क्या रहेगा? हमारा जो ये विधानसभा भी नवी बनी है जम्मू नॉर्थ, पहले जंदरा ग्रोटा थी, उसके बाद जम्मू रैपर दुमाना बनी, अब जम्मू नॉर्थ बनी। यहाँ जम्मू नॉर्थ में दो तीन समस्याएं हमने देखी, एक तो जो जम्मू शहर का कूड़ा करकट है, इस सारा जहाँ पर हमारा डिग्री कॉलेज है, हमारा संस्कृत कॉलेज है, हमारे लोग वहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर डैम्प किया है और आगे पीछे घरों में रात नहीं आप गुजार सकते, दिन को तो बात ही छोड़ो। पहले ये डैम्प करते थे तभी में जब बरसात लगती थी फ्लैश फ्लड से निकल जाता था, तो वो एक नेचुरल सिस्टम था। ये यहाँ पर लोगों ने धरने भी दिए, एजिटेशने भी की, मैं अगर सियासी था मैं भी गया मैं करवा दूंगा, दूसरा जाता मैं करवा दूंगा, किसी ने स्टेप नहीं उठाया। अगर
लोगों ने हमें सक्सेसफुल किया, कामयाब किया जी। इस बात को हम यहाँ से खत्म कराएंगे। दूसरी बात है कि यहाँ पर बेरोजगारी बहुत है, पढ़े लिखे बच्चे हमारे आज कहते हैं कि ड्रग को कंट्रोल करो, हमारे बच्चे ड्रग में ना जाएं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं पढ़े लिखे बच्चे बेरोजगार हैं, तो वो क्या करेंगे, उनको गलत आदतें पड़ती है। ये एम्प्लॉयमेंट का एक जो सिस्टम है यहाँ पर, हमने देखा यहाँ पर रणबीर गवर्नमेंट प्रेस थी, जो रिटायर हुआ उसकी जगह कोई नहीं लगा। यहाँ पर रेशम खाना था, बंद कर दिया, हजारों की संख्या में लोग काम करते थे। जो हमारे राजे महाराजे थे उन्होंने इंडस्ट्री को डेवलप किया था, बेरोजगारी को कंट्रोल करने के लिए ये अदारे बनाए थे। अब जो नई सरकारें बनी हैं उन्होंने वो अदारे बंद कर दिए, प्राइवेट कर दिए, तो बेरोजगारी कहाँ से दूर होगी? ये सिर्फ फ्रॉड है जी। ये सब झूठ बोलते हैं, कोई बेरोजगारी दूर करने वाला नहीं। यहाँ पर लेदर फैक्ट्री थी हमारे मुट्ठी में, कम से कम 1500 लोग काम करते थे, आज बंद कर दी। वहाँ पर आरएसपुरम में वो था रेजन का फैक्ट्री, बैट की फैक्ट्री, जितनी प्राइवेट गवर्नमेंट की फैक्ट्री थी सब बंद। अगर बंद है तो मेरे ख्याल में कम से कम 40,000 लोगों का बेरोजगार कर दिया। उसका कारण बिल्कुल कारण है सरकार क्या है? फिर सरकार का काम है लोगों को रोजगार देना, तो ये तो बंद कर रहे हैं तो फिर झूठे वादे क्यों मारते हैं? या स्टेज पर चढ़कर कहते हैं हम 1,00,000 आदमी को नौकरी दे, कहाँ से देंगे नौकरी देंगे कहाँ से? वैसे अदारे भी इन्होंने क्लोज कर दिए। तो हमारी रिक्वेस्ट है तो चलो इस आवाज को उठाना भी चाहिए, और जो जितने भी हमारे जम्मू के पॉलिटिशियन हैं किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हैं, सारे का फर्ज बनता है, वो भी जम्मू के हैं, हम भी जम्मू के हैं, फर्ज तो सबका है। बच्चे वहां पर अगर नौकरी करेंगे तो हमारे ही, मेरा नहीं होगा, उसका होगा, उसका होगा, लेकिन होगा तो जम्मू का ना। तो जम्मू जम्मू तो सड़क कहते हैं लेकिन जम्मू के बारे में करते क्या है? सवाल तो ये है, ये बहुत बड़ा सवाल है, ठीक है ना। करना कुछ नहीं, सिर्फ जम्मू 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 जम्मू। हम सोचते हैं कि कैसे लोग हैं जम्मू के नाम पर खट्टी खाते हैं, लोगों से वोट लेते हैं। और अगले दिन बात चल रही थी, पॉलिटिकल को लोग इकट्ठे हुए थे, हमारी कम्युनिटी है एक रायपुर, तो ये बात चली कि देखो जी हमारे जम्मू में 11 असेंबली सीट्स हैं, 11 असेंबली सीट में रायपुर जो जम्मू के हैं उनको एक सीट भी नहीं मिली। आज हम जम्मू के जितने भी राजपूत हैं बगैर असेंबली की सीट के किसी पार्टी ने अधिकार नहीं दिया। अब बीजेपी की बात करो, एक रायपुर को सीट दी, वो जो रायपुर था किस डोडे का है, लोकल रायपुर कोई भी नहीं है 11 सीटों में। तो क्यों हमारी कम्युनिटी इनके खिलाफ फिर नारे लगाती है? हम कहते हैं कि अधिकार सबको देना चाहिए, लेकिन बनता है, जब बनता है तो कोई ना दे तो फिर हमने खड़े नहीं होना, फिर डर है किसी का जी। फिर इसलिए हमने स्टैंड लिया। लोगों ने मुझे कहा कि हमारा जो विधानसभा है ये यहाँ पर जम्मू नॉर्थ बना है, क्या इसमें कोई आदमी ऐसा नहीं रहता जो हमारे हक के लिए आगे आए जी। तो मुझे लोगों के कहने पर हम आगे आए हैं, हमारा अपना फैसला कोई नहीं जी, जी। मुझे तो लोगों ने कहा कि आप आगे आओ, हम आपका साथ देंगे। तो अगर लोग उनके मन में हमारे प्रति इतनी भावना है तो हम क्या करेंगे, मर जाएंगे उनके लिए, काम के लिए कोई काम नहीं उनका छोड़ेंगे, जो करने के काबिल है, जो नहीं है तो नहीं है जी, जी, तो जी। ये एक बात बनती है हमारे जम्मू के लोगों के लिए। तो इसलिए हम हर एक आदमी से अपील करते हैं कि अगर हम गलत हैं तो हमको मत ब्रॉडकास्ट करें, अगर हम ठीक हैं, हम लोगों के लिए ठीक करते आए हैं, आगे भी लोगों के लिए हम ठीक करेंगे जी। तो फिर हमें वोट दो अपना, हैं? वोट दो और अपना काम लो, हमारी यही विनती है। हमने कोई फैक्ट्री नहीं लगानी, हमने कोई पेट्रोल पंप नहीं, हमारे कोई गैस एजेंसी नहीं, हम फार्मर हैं, जिम्मेदार हैं, अपनी जमीन है, खुद काश्त करते हैं, अगर काश्त करते हैं खुद भी खाते हैं, कोई गरीब आ जाए उसको भी देते हैं, ये हमारा अपनी नेचर है। तो यही हमारी रिक्वेस्ट है आपसे, तो प्लीज ये अगर
बात लोगों तक पहुंच रही है, तो हम लोगों से फिर अपील करते हैं कि अपना जो वोट है, मैंने पहले भी आपको कहा ना कि वोट ऑफ राइट उन लोगों ने हमें दिलाया जो 1987 में जिन्होंने एजिटेशन स्टार्ट की अंग्रेजों के विरुद्ध, तो 1947 में हमें आजादी मिली जी। 90 साल में हमारे हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब ने अपने आप को सैक्रिफाइस किया, मरे लोग, घर बर्बाद हो गए, फिर ये दिन नसीब हुआ, बिल्कुल बहुत बहुत बड़ा, ठीक है ना। तब से ये वोट ऑफ राइट मिला है उन लोगों को, हमारे पुरख थे, हम लोगों उन लोगों को हमें याद करना चाहिए जी। और उनका दिन हमें आजादी का मनाना चाहिए, 15 अगस्त, 26 जनवरी। हमने देखा कि सरकारी प्रोग्राम होते हैं, लोग अपने अपने नहीं करते, तो प्रधानमंत्री ने तो ये बात उभारी कि हर घर में तिरंगा होना चाहिए, हम वेलकम करते हैं, ऐसे प्रधानमंत्री हिंदुस्तान में होने चाहिए। मैं अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं, प्रधानमंत्री हमारा साझा है, जब दूसरा कोई बनेगा तो वो हमारा हो जाएगा, ये तो सीधी बात है, ठीक है ना। तो यही आपसे विनती है जी। तो हम लोगों से फिर अपील करते हैं कि हमें सक्सेसफुल बनाएं, कामयाब करें, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना कीमती समय हमें देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ फॉर्मर MLA ठाकुर शिव देव सिंह जी, जिनके साथ हमने बातचीत की और जिनका बहुत अच्छा कहना है कि वोट ऑफ राइट आप सबका है, हम सबका है, और अपना वोट जरूर दें और सही सरकार चुनने में मदद करें। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक यादव के साथ अमर चौहान, स्टेट टाइम्स।